हेलो। सो इन द प्रीवियस वीडियोस हमने क्या देखा कि हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखा, बराबर है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया था तो यू सॉ कि आई मेड वन सेल, आई मेड वन स्विच, आई मेड वन बल्ब। नाउ एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि हम इन सारी चीजों को बनाते रहे, तो हमारे पास एक दूसरा तरीका है उनके सिम्बल्स का। अगर हमारे पास उनके सिम्बल्स हैं तो उन्हें बनाने के बजाय हम उन सिम्बल्स को यूज कर सकते हैं सर्किट में। हम सिंबल्स को यूज करके बता सकते हैं कि भाई कि ये चीजें हैं, बराबर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे या सर्किट डायग्राम के ऊपर जब आप सम्स करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा भाई कौन सा चीज क्या है। तो वो सब जानने के लिए हम इसके जो इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स है उसे जानते हैं। तो हमारा टॉपिक है सिम्बल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स और सर्किट के सिम्बल्स। तो सेल है, कभी भी सेल ये आपने देखा भी होगा, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बड़ा लाइन होता है, एक छोटा लाइन होता है। बड़ा वाला पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल वाला नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो सेल को हम कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किट में आप कभी भी ऐसा देखेंगे तो आप सीधा कह सकते हैं भाई ये कोई और नहीं, एक सेल है। बैटरी जो होता है, बैटरी ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं, बराबर। यानी कि दो या दो से ज्यादा सेल लगा दो तो क्या हो जाएगा, एक बैटरी का काम करेगा। कनेक्टिंग वायर्स, बराबर, कनेक्टिंग वायर्स सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट होंगे। तो कहीं पर भी अगर कनेक्टिंग वायर आपको बनाने बोले या दिया है तो आप ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वायर जॉइंट है, अगर वायर जॉइंट है तो वायर जॉइंट एक ऐसा लाइन रहेगा और ऐसे उसके सिंबल रहेंगे। ये बताता है भाई कि जो वायर है वो कांटेक्ट में भी है, जॉइंट यानी कांटेक्ट में है। ये एक अलग वायर है, दूसरा एक अलग वायर है, दोनों कॉन्टैक्ट में भी है। तो ये वायर जॉइंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिर्फ हमको वायर क्रॉसिंग रिप्रेजेंट करना है विदाउट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नहीं है, दो वायर दूसरे को सिर्फ क्रॉस कर रहे हैं पर उन दोनों में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो चीज है वो एक रेजिस्टेंस है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अब जिस तरह से मैंने इलेक्ट्रिकल सिंबल में बल्ब बनाया था, तो ये जरूरी नहीं कि मैं बल्ब को बनाऊं, मैं ये रेजिस्टेंस को वहां पर अगर बना दूंगा तो ये बल्ब को रिप्रेजेंट करता है या कोई और दूसरे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये रेजिस्टेंस, अगर कोई भी रेजिस्टेंस अपने सर्किट में है तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। तो अगर हमको रेजिस्टेंस चेंज करना है, मतलब टाइम के साथ हमको उसको चेंज करते रहना है, तो हम वहां पर यूज करेंगे रियोस्टैट को, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसका सिंबल ऐसा होता है, तो टाइम टू टाइम लेंथ के साथ हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, हम करंट को वहां पर कंट्रोल कर सकते हैं इसकी मदद से। ये फिक्स होता है, एक बार सर्किट में लग गया तो उतना ही रहेगा, पर इसको हम वेरी कर सकते हैं, इसके लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस नाम है या इसको नाम दूसरा है रियोस्टैट। एमीटर के बारे में हमने जाना है जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कर रहे थे, तो एमीटर करंट को मेजर करता है, ये उसका फंक्शन है और रिप्रेजेंट ऐसे होता है। वोल्टमीटर भी आप जानते हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और रिप्रेजेंट ऐसे होता है। गैल्वेनोमीटर जो है ये करंट को डिटेक्ट करता है, अगर सर्किट में कहीं पर भी स्मॉल करंट, कम करंट है, जो करंट का वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो ये गैल्वेनोमीटर बता देगा। तो इट डिटेक्ट्स करंट, बराबर, स्मॉल करंट के बारे में पता करके हमको बताता है। तो गैल्वेनोमीटर है, इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होते हैं। ओपन सर्किट, अगर सर्किट ओपन है, करंट यानी सर्किट से नहीं बह रहा है, तो या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए या तो ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, बराबर। सर्किट इज नॉट कंप्लीट, अब करंट अभी बहने, स्विच ऑन किया नहीं हमने, स्विच ऑफ है। अ क्लोज्ड की, स्विच ऑन है, क्लोज्ड की, स्विच ऑन है, तो या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए या तो ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए विद अ डॉट। इलेक्ट्रिक बल्ब को आपको रिप्रेजेंट करना है तो जरूरी नहीं कि आप इलेक्ट्रिक बल्ब बनाओ, आप ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो, या इलेक्ट्रिक लैंप को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करो या ऐसे करो, बराबर। तो ये सब सिंबल्स है जिसको आपको याद रखना है। सेल का कोई पूछे सेल का क्या काम है, तो भाई वो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। बैटरी क्या करता है, तो वो बड़ा सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। वो कनेक्टिंग वायर का काम क्या है, तो करंट को, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए उसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा अपने को, बराबर। रेजिस्टेंस हम जान गए कि सर्किट में कितने सारे रेजिस्टेंस है उनके बारे में पता करना है, टोटल रेजिस्टेंस पता करना है कि पूरे पूरे सर्किट में कितने रेजिस्टेंस है, तो इन सबको ऐड करके हम पता कर सकते हैं, बराबर। क्लोज की, स्विच की, ओपन की, सब तो मतलब मालूम पड़ गया। बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करना है भी हमने जाना। तो इसे आप बहुत अच्छे से याद रखना कि आगे हम सर्किट डायग्राम जब बनाएं तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, वहां पर हमको मालूम पड़ जाएगा, बराबर। तो सो नोट डाउन कर लो आप लोग।